डोडा के अंदर 11 जून के बाद अब तक 8 अटैक हो चुके हैं, टेररिस्ट अटैक, जबकि शांत एरिया था। क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही है, इन्होंने जो फौज यहाँ लगी हुई थी जम्मू में वो चाइना बॉर्डर पे भेज दी। तो मेरा ये कहना है कि आपने जो है जो अग्निवीर योजना लेके आए हैं, अगले साल तक 1,80,000 फौज की नफरी कम हो जाएगी अगले 2 साल में। तो आप बताएं कि फौज कहाँ से आएगी, और क्या अग्निवीर योजना के बारे में जो ये आरक्षण दे रहे हैं, अब 2 महीने बचे हैं, अब आरक्षण की बात कर रहे हैं हरियाणा में। केंद्र में जो है इन्होंने सीआरपीएफ सीएएफ में 10% दिया है, 10% से काम थोड़ी चलेगा। 75% लोगों को बाहर निकाल रहे हो आप, हर साल निकलेंगे, हर बैच में निकलेंगे, आप बताओ कैसे काम चलेगा। तो ये जो कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी और कोताही अमित शाह जी की है, राजनाथ जी की है, उसके बारे में जनता को बताएं कि ये अटैक क्यों हो रहे हैं। हरियाणा में क्या मानते हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस की लहर लोकसभा की तरह रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी, इस बार आप थे, अगली बार साफ कर देंगे बीजेपी को, और मेरिट के आधार पे अगर टिकट मिली तो 70 पार जाएगी। जो मेरा रिकॉर्ड था 67 का 2005 को, उसको हम तोड़ देंगे।